नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से naukrikhabar.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DRDO रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। न्यू भर्ती आ चुकी है DRDO की तरफ से, सीधी भर्ती है बिना किसी एग्जाम के। ऑल इंडिया जॉब यानी कि पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से लेकर 32 ईयर के बीच में है तो आप लोग इस भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। सैलरी यानी कि वेतन आपको लगभग 68,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि मैं अभी आप सभी को आगे ओपन करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आगे आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स है, DRDO में इंटरव्यू के माध्यम से हो रहे हैं चयन। बस होनी चाहिए ये योग्यता, यानी कि अगर आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप लोग आज की इस भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। अपडेट देख सकते हैं, शनिवार के दिन का अपडेट है, 24 अगस्त यानी कि आज के दिन का। और यहाँ पे देख सकते हैं 3:24 PM पर अपडेट करी गई है। उसके बाद यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी दी गई, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने कई विभिन्न पदों पर भर्तियां के लिए विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्ती स्नातक अप्रेंटिस ट्रेनी, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी और ITI अप्रेंटिस ट्रेनी के कुल 150 पदों पर होने जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। पदों के विवरण के अंदर आप लोग यहां पे देख सकते हैं, स्नातक अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए 90 पद और डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए 30 पद और ITI अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए 30 पद यहाँ पे रखे गए हैं। इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो 26 अगस्त 2019 से लेकर 7 सितंबर 2019 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपकी आयु यानी कि उम्र 18 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक 27 वर्ष होनी चाहिए। और आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट मिलेगा जो कि OBC के लिए 3 साल का होता है और ST/SC के लिए पूरे के पूरे 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि आपकी टोटल आयु 32 वर्ष तक जाएगी। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता पहले ही बता दिया गया कि अगर आप लोगों ने संबंधित ट्रेड में डिग्री, डिप्लोमा या फिर ITI किया गया तो आप लोगों को ये फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन बाकी देख सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। 26 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा इन पदों पर जो है, तो चयन मेरिट के बेस पे होना है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।